श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के विशेष प्रेमी जन होते हैं उनकी एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रेम की उच्च अवस्था में होते हैं, उस समय भावमय स्थिति होती है। भावमय स्थिति का तात्पर्य होता है कि वे प्रभु के पार्षदों में से किसी का भाव कभी उनके ऊपर आ जाता है और बहुत समय तक रहता है, और फिर कभी दूसरे पार्षद का, कभी और किसी पार्षद का, और बिल्कुल वैसे ही वो हो जाते हैं उस समय। और सूर्यप्रकाश जी महाराज, जो कि परम रसिक संत थे, पंडित श्री सूर्यप्रकाश मिश्र जी, उनके ऊपर ऐसा भाव आता था, भावमयी स्थिति हो जाती थी उनकी। और एक बार उनकी स्थिति जो हुई थी, कौशल्या माता की हुई थी। बिल्कुल वो साक्षात कौशल्या माता जैसे ही हो गए थे, बस कपड़े केवल नहीं पहने थे उनके जैसे, और पूरा का पूरा चिंतन, व्यवहार, रहनी सब कौशल्या माता की हो गई थी। और ऐसी स्थिति में वे 3 महीने तक पड़े रहे, और उस भाव राज्य में रमण करते रहे। जब कौशल्या माता जी के राम जी वन में चले गए थे, कौशल्या माता राम के विरह में जैसे अपने बच्चे के लिए रोती थी, बिल्कुल वही स्थिति सूर्यप्रकाश जी की हो गई थी। श्री राम जी का वियोग हो गया था, और श्री सूर्यप्रकाश जी कौशल्या अम्बा की स्थिति में रहते हुए 3 महीने तक रोते रहते थे, प्रेम में विकल थे। तो एक भक्त थे मुनुआ जी, उनसे जब मिले तो उनकी धर्मपत्नी जो थी मुनुआ जी की, उसके अंदर इतनी पात्रता थी कि कौशल्या अम्बा जी का भाव उसके अंदर आया, थोड़ा सा आया, हल्का सा। तो सूर्यप्रकाश जी ने अपने भाव को उनमें ही तिरोहित कर दिया, मुनुआ जी की धर्मपत्नी में ही अपने भाव को डाल दिया। ऐसी अद्भुत शक्ति थी इनके अंदर। और फिर सूर्यप्रकाश जी का वो भाव एकदम समाप्त हुआ। ऐसे ही संचारी भाव का उदय हुआ करता था, जो एक दूसरे से संचार दूसरे में कर देते थे। अन्य संचारी भाव भी उदय होते थे, कौशल्याम्बा का एक बताया मैंने। इसी तरह से श्री राधिका जी, श्री श्याम सुंदर जी, भगवान राधा कृष्ण के भाव भी इनके अंदर प्रकट होते थे। एक श्री रामदास शुक्ल जी थे, वो कहते हैं कि उनके बच्चे जो लक्ष्मण दास जी, जो प्रसिद्ध वक्ता हुए रामायण के, तो श्री रामदास शुक्ल जी महाराज बहुत सिद्ध संत माने जाते थे। उन्होंने भी श्री राम हर्षण दास जी महाराज से दीक्षा ली थी। तो श्री सूर्यप्रकाश जी को भी वो गुरु के रूप में मानते थे। यदि सूर्यप्रकाश जी उनके गुरु भाई थे, क्योंकि राम हर्षण दास जी महाराज के ही शिष्य थे दोनों लोग, लेकिन फिर भी रामदास जी शुक्ल जो रामायणी थे, वो सूर्यप्रकाश को गुरु रूप में मानते थे। श्री रामदास जी श्री राधा भाव में 3 साल रहे, और पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी श्री कृष्ण भाव में 3 साल रहे। उस समय वो सेलहुआ नाले में पड़े रहते थे, क्या खाए पिए ये कोई जान नहीं पाता था, वो बताते भी नहीं थे। 3 साल के बाद जब श्री रामदास जी उस राधिका के भाव से तिरोहित हुए, तब उनको मिथिला का भाव आ गया। श्री राम जी महाराज जी मिथिला से चले गए हैं, और मिथिला पूरी तरह से विरह की स्थिति में झुलस रही है। मिथिला का तात्पर्य भक्तों जनकपुरी, और जिन लोग नहीं जानते हो ना उनके लिए बताया मैं, भक्त लोग तो जानते हैं। तो उस विरह की स्थिति में रामदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था श्री मिथिला विरही प्राण संजीवनी। और जब उस ग्रंथ को उन्होंने सरकार को दिखलाया, सरकार मतलब राम हर्षण दास जी को दिखलाया, गुरुदेव को, तो सरकार ने कहा भैया इस ग्रंथ को संभाल के रखिएगा, ये ग्रंथ बहुत कीमती है। कौन सा ग्रंथ? मिथिला विरही प्राण संजीवनी। सरकार ने कहा बहुत दिव्य है। श्री रामदास जी पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी को बहुत मानते थे, गुरु भाई थे लेकिन गुरु का भाव रखते थे। यहाँ तक कि पंडित सूर्यप्रकाश जी की जूठन प्रसादी रामदास जी रामायणी खाते थे। श्री रामदास जी ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रसाद मांगा और उन्होंने दिया, उनका भाव देख करके। ऐसा अद्भुत भाव था। और मैंने आपको पहले बतलाया था कि सूर्यप्रकाश जी एक गृहस्थ संत थे। उनके बच्चे जो थे ना, उनके अंदर भी प्रभु की कृपा से पिता का बहुत कुछ भाव का अंश आता था। जीवों का कल्याण करते रहते थे, जीवों के अंदर भाव अपना प्रभु कृपा से डाल देते थे। पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी की जूठन प्रसादी चरणामृत, आपको आश्चर्य होगा भक्तों कि जो कोई पा लेता था, कोई उनकी प्रसादी पाता था सूर्यप्रकाश जी की और चरणामृत उनका पी लेता था, तो आगे चल कर के संत ही हो जाता था वो, भले वो घर में रहता हो चाहे विरक्त हो। और कई लोगों का तो घर द्वार छूट भी जाता था, रोने लगता था, भगवान की कथा में रोने लगता था, भगवान के नाम रूप लीला धाम में मस्त हो जाता था। ये उसकी बात मैं बता रहा हूँ जो सूर्यप्रकाश जी का प्रसाद पाता था। महाराज, जैसे उद्धव जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर से कहा था कि प्रभु आपका और श्री राधा रानी का प्रसाद पा करके मैंने आपकी माया को जीत लिया है, भागवत जी में ऐसा लिखा भक्तों। ऐसे ही पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी की जूठन प्रसादी जो पाता था, संसार से उसका मन हट जाता था। ये कोई साधारण बात नहीं है भक्तों। संसार तो रहता है लेकिन संसार उसके मन से हट जाता है, जिसकी स्थिति एक प्रभु कृपा से होती है। और सूर्य प्रकाश जी की प्रसादी में विशेषता थी। लेकिन भक्तों इसके लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए, बड़ी ऊंची श्रद्धा हो और प्रभु कृपा से ऐसे संत मिलें। सूर्य प्रकाश जी जैसे संत भी तो मिलने मुश्किल हैं, बहुत कठिन है। तो उनकी प्रसादी में शक्ति होती है। लेकिन आप सावधान रहना, बिना श्रद्धा के ऐसा करोगे तो दोष भी लग जाएगा। भगवान की माया से विजय प्राप्त कर लेता है वो, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता था जो सूर्यप्रकाश जी का प्रसाद पाता था। भागवत प्रेम को प्राप्त करके भागवत धाम में स्थित हो जाता था। महाराज, किसी किसी के ऊपर तो ऐसी कृपा हुई उनके प्रसादी के माध्यम से कि वो भगवान के ही आवेश में हो जाता था, बिल्कुल भागवत स्वरूप। और भगवान दास जी महाराज जिनका दर्शन मैंने किया था, वो महंत जी, उन्होंने तो बताया भक्तों को कि प्रत्यक्ष अनुभव किया कि सूर्य प्रकाश जी की प्रसादी में कैसी शक्ति थी। भक्तों, यद्यपि भगवान दास जी महाराज इनके गुरु भाई थे, लेकिन सूर्य प्रकाश जी की भक्ति के सम्मुख ऐसे समर्पित थे कि गुरु भाई नहीं मानते थे। सूर्यप्रकाश जी को एक महान पुरुष मानते थे और उनकी थाली में जब वो पा लेते थे तब ये पाते थे महाराज जी भगवान दास। और बिना सूर्यप्रकाश जी के प्रसाद पाए कभी भी प्रसाद इन्होंने नहीं पाया। और वो कभी अकेले नहीं पाते थे सूर्यप्रकाश जी, 20-25 लोग उनके साथ भोजन करते थे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। और प्रेम से मतवाले रहते थे ना, राम जी के प्रेम में मतवाले रहते थे, इसलिए राम जी के भक्त लोग जो थे इनके दीवाने थे बिल्कुल। बहुत उच्च कोट के प्रेमी, बड़े रसिक थे, भागवत स्वरूप थे, परमहंस समझिए। अपने लिए तो कुछ भी कुछ ख्याल ही नहीं करते थे, भगवान के भाव में, भगवान की भक्ति में, प्रेम में रहते थे। मानस मार्तंड कहे गए, आशु कवि कहे गए, बहुत लोगों ने भाव से पद भी दिया उनको, लेकिन वो उनको कोई मतलब ही नहीं था, कोई कुछ भी पद भी दिए। और दिव्य दिव्य लीलाओं के द्वारा भक्तों को भगवान के चरणों में डाला उन्होंने। और जिस तीर्थ में जाते थे वहाँ के संत लोग उनसे बहुत प्रेम से मिलते थे। मिथिला धाम की सुखद यात्रा की उन्होंने, जनकपुरी की, तो हृदय में प्रेम उत्पन्न कर दिया लोगों के, और अपनी राम कथा से भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 1984 में मिथिला धाम की यात्रा की। उस समय बहुत से भक्त उनके साथ थे, अधिकतर राम जी के सखा भाव वाले थे, सब सरकार के साथ चले, अर्थात गुरुदेव राम हर्षण दास जी के साथ। वो पहली यात्रा गोरखपुर में रुकनी थी, सब लोग अपना अपना सामान ले गए थे, लेकिन महाराज सूर्यप्रकाश जी तो अपने लिए कुछ इंतजाम चाहते ही नहीं थे। उन्होंने तो सत्तू बांध लिया था, बस हमको भोजन से कोई मतलब नहीं, सत्तू घोल के पी लेंगे। और बस सोचा जहाँ भी कुछ फल कोई मिल जाएगा तो फल खा लेंगे और सत्तू घोल के पी लेंगे, झंझट समाप्त खाने पीने के। वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे, भोजन कौन बनाएगा, ऐसे भाव उनका रहता था कि भोजन में समय कौन लगाए, उस सत्तू पी लेंगे, फल का भोग भगवान के लिए लगा देंगे। 7-8 बसें थी, 25-30 कार थी, उस समय की बात है, सन 84 की। 25-30 कार, 8 बसें। और गोरखपुर पहुँचे जब, तो वहाँ गीता प्रेस की तरफ से बहुत बड़ा भंडारा हुआ। सूर्यप्रकाश जी के पहुँचने पर सरकार के सब परिकरों की बहुत सेवा हुई, किसी का भी सामान नहीं खुला। सामान इसलिए नहीं खुला कि वहाँ भंडारे की व्यवस्था पहले से थी। पंडित सूर्यप्रकाश जी को सरकार ने खूब फलाहार कराया, और सूर्यप्रकाश जी का भी खूब स्वागत हुआ। भगवान दास जी कहते हैं कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना स्वागत इनका क्यों हो रहा है, क्योंकि पहली बार इनके साथ ही गए थे तो इनकी महिमा को जान नहीं पाए थे। और दूसरे दिन मिथिला पहुंचे, लेकिन रास्ते में गंडकी नदी में स्नान करके जब वो लोग मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़े तो वहाँ एक लीची के बगीचे में गुरुदेव भगवान अर्थात श्री राम अर्चर दास जी रुके, और थोड़ा कुछ पा करके तब बोले कि यहाँ भगवान को, राम जी को भोग लगाना लीची का। सूर्यप्रकाश जी ने सरकार को दंडवत प्रणाम किया। सब लोगों के पास तो सारी सामग्री थी खान पान की, सूर्यप्रकाश जी के पास केवल सत्तू था। और मिथिला वालों की ओर से फिर व्यवस्था हुई, वहाँ से गांव कुछ दूर था, गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि यहाँ मेहमान आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा गांव जैसे टूट पड़ा स्वागत करने को, सब दंडवत प्रणाम करते थे। सूर्यप्रकाश जी को तखत पर बैठाए, लेकिन उनकी आचार्य निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि पहले मेरे गुरुदेव को जो बगीचे में रुके हैं उनके लिए तखत बिछवाइए, उसके बाद हम तखत पर बैठेंगे। अब आप समझिए गुरुदेव से भी ज़्यादा इनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। सूर्यप्रकाश जी की प्रेमयी राम कथा के कारण गुरुदेव से भी ज़्यादा लोग इनको चाहने लग गए थे और इनकी बात सुनकर जल्दी जल्दी गुरुदेव के लिए आसन लगाया गया। और जब गुरुदेव भगवान बैठ गए तब सूर्यप्रकाश जी बैठे। मिथिला वालों ने देखा कि सब लोग अपना अपना खाने का सामान लाए हैं, तो मिथिला की माताओं ने कहा कि नहीं, आप लोग जो लाए हो सब सामान बंद रखिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम जो रूखा सूखा खिलाएंगे वो आपको पाना होगा। उन लोगों ने बड़े प्रेम से सबको कड़ी रोटी खिलाई और किशोरी जी की कृपा से रस ही रस मिला वहाँ। और सूर्यप्रकाश जी और गुरुदेव राम हर्षण दास जी जहाँ जाते थे वहाँ बड़ा स्वागत होता था। सूर्यप्रकाश जी ने सरकार से पूछा, गुरुदेव यहाँ तो ऐसे लोग मिल रहे हैं जैसे हम लोगों को जानते हो, आपको जानते हो। तो बोले ये ठाकुर जी की लीला है, हम लोग तो कहाँ किसको जानते हैं, लेकिन भगवान ने इनके अंदर प्रेम प्रकट कर दिया। भगवान के धाम के हैं लोग, जगह जगह अलग अलग प्रकार से स्वागत सत्कार होता था। और मिथिला में तो कई जगह गठरी इन लोगों को खोलनी नहीं पड़ी, अपना खाने पीने का निकाला ही नहीं पाए। और उन दिव्य स्वागत सीतामढ़ी में रुके, इतना भव्य स्वागत हुआ कि कोई सीमा नहीं। सूर्यप्रकाश जी का साक्षात राम जी की तरह से स्वागत हुआ। राम की कथा करते करते राम रूप ही हो गए थे। राम जी और किशोरी जी के स्वरूप साथ साथ वहाँ ले जाए गए थे, सुंदर सजा सजा के। और स्वागत इनका किया गया सूर्यप्रकाश जी का, तो माताएं प्रेम विभोर होकर नाचने लगी इनकी कथा को सुन करके और फलाहार करते थे, कहीं सत्तू पी लेते थे। लेकिन जब बहुत प्रेमी लोग मिलते थे तो रोका जाता था इनको, नहीं आप सत्तू नहीं पिएंगे, हम लोग जो बनाए हैं वो आप पाएंगे। इनके विषय में सरकार ने लिखा कि श्री राम जी के चरित्र का विकास, राम जी के चरित्र को जन जन में सुना करके उनको भागवत चरणों की तरफ उन्मुख प्रेरित करना, भागवत प्राप्ति कराना, ये पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी की सेवा थी, ऐसा गुरुदेव ने स्वयं लिखा। और मिथिला से लौट करके सरकार सबसे पहले आए सूर्यप्रकाश जी के गांव गोसाईपुर में, प्रतापगढ़ में। और सरकार वहाँ श्री राम बोध शुक्ल जी के यहाँ रुके थे। सरकार की खूब सेवा हुई। पंडित श्री सूर्यप्रकाश जी का घर वहाँ से थोड़ी दूर था, तो उन्होंने प्रार्थना किया घर में पधारने के लिए कि चरण धूलि मेरे घर में भी पड़ जाए, तो वहाँ भी गए। मना नहीं किया, घर में भी आते नहीं थे लोगों के, लेकिन फिर भी गए। तो सूर्यप्रकाश जी उस समय गुरुदेव को ले जाने के लिए पालकी मंगवाए, पालकी को खूब सजाया। पालकी की एक तरफ सूर्यप्रकाश जी स्वयं लगे और भक्त लोग जो उनके खास प्रेमी थे वो लोग लगे और गुरुदेव को पालकी में उठा करके बैठा करके प्रेम से ले गए। भगवान दास जी जिनकी बात मैंने बताया था वो गुरुदेव के चरणों में तेल लगाते थे, चरण तल में, और कभी कभी सूर्यप्रकाश जी के भी लगाते थे। और बड़ी भव्य व्यवस्था की गई थी गुरुदेव के स्वागत में। 500 मीटर अर्थात आधा किलोमीटर तक पावड़े बिछाए गए थे जमीन पर, सुंदर से सुंदर पावड़े लोगों ने, भक्तों ने बिछाए स्वागत में। बड़ा भव्य सिंहासन लगाया गया सरकार के लिए अर्थात गुरुदेव के लिए। और अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ मंगाई गई जो उस समय मिल सकती थी। बड़ी दूर दूर से मंगाई गई। बादाम, दूध, काजू, किशमिश सब संतों के लिए, भक्तों के लिए इंतजाम किए गए। उसमें सूर्यप्रकाश जी खुद गुरुदेव के स्वागत के लिए अपने हाथ से ये सब इंतजाम करने में लगे रहते थे। इतना गुरुदेव का मन में सत्कार रहता था, इनके भाव इतना सेवा का रहता था। सूर्यप्रकाश जी की भक्ति, कथा की प्रीति, कथा में आनंद, भाव विभोर होना, ये सब देखकर गुरुदेव ने इतनी कृपा की कि अपने साधनाओं का सब रहस्य सब इनको समझाया। बड़े बड़े यज्ञ आदि हुए, खूब स्वागत किया था। पालकी में गुरुजी को बैठा के कंधे पर रख के ले जाते थे और गुरुदेव भी अपने अनुभव की कथाएं सुनाते थे। और गुरुदेव के चरणों में उन्होंने आंसुओं का ऐसा जल डाला कि चरण जैसे समझ लीजिए सुदामा जी के चरण धो दिया था भगवान द्वारकाधीश ने आंसुओं से। ऐसे जब उनके घर गए थे गुरुदेव तो अपने आंसुओं के जल से पहले चरण धोया था उन्होंने, बाद में अन्य सुंदर सुंदर पात्रों में जल जो माता लोग इकट्ठी की थी वो लाया गया। पहले तो गुरु के चरणों को अपने नेत्र के आंसुओं से ही धोया था। भक्तों, एक बार गुरुदेव सरकार ने अपने शिष्य की परीक्षा ली, सूर्यप्रकाश जी की, और उसमें खजुआ में थे। तो सरकार ने पंडित सूर्यप्रकाश जी की परीक्षा कैसे ली? बोले कि आज आप राम जी को गाली दीजिए। अब संबंध में सखा का भाव था इनका, तो सरकार ने कहा सखा भाव में गाली कैसे दोगे? बोले आपकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करूँगा। बातें सखा को गाली नहीं देनी की होती है, वो तो ससुराल की बात अलग होती है। मिथिला में तो ससुराल वाला भाव रहता है। राम जी वहाँ ससुराल में जाते हैं तो उनको गाली दी जाती है, लेकिन सखा के भाव में गाली कैसे दी जाए सर? लेकिन सरकार की आज्ञा थी, मेरी आज्ञा है, इसका उल्लंघन मत करना। तो सूर्यप्रकाश जी तुरंत हारमोनियम उठाए, सरकार का ध्यान किए, अर्थात गुरुदेव का, और ध्यान करके राम जी महाराज के लिए गाना शुरू किए। कैसे बने हो तुम सबके सार, मोरे राम जी लाला। अब देखिए सार का एक अर्थ होता है श्याला, साला, अर्थात पत्नी का भाई, और दूसरा सार का अर्थ होता है निचोड़, जो मूल चीज होती है किसी वस्तु का, जो मुख्य अंश होता है जिसको, उसको सार कहा जाता है। तो वो गा रहे थे कैसे बने हो तुम सबके सार, मोरे राम जी लला, राम जी लला मोरे रघुनाथ जी लला, कैसे बने हो तुम सबके सार, मोरे राम जी लला। अब गुरु की आज्ञा थी ना, इसलिए सार शब्द का प्रयोग किया। सार मतलब सबके साले, और सार का मतलब कि सब चीज के निचोड़, निष्कर्ष। और उसी भाव से उन्होंने कहा ब्रह्मा के सार हो, ब्रह्मा के सार मतलब ब्रह्मा के तत्व हो आप, मुख्य अंश, आपके ही द्वारा ब्रह्मा जी बने हैं। ब्रह्मा के सार हो, विष्णु के सार हो, शंकर हूँ के बन गए सार, मोरे राम जी लाला। कौशल्या अम्बा के सार हो, मतलब इन सब के ये इन राम जी न हो तो सब निस्सार हो गए, ये भाव है। कौशल्या अम्बा के सार हो, कैकेयी अम्बा के सार हो, सुमित्रा अम्बा और दशरथ के बन गए सार, मोरे राम जी लाला। चंद्रहूँ के सार हो, सूर्य अपना नाम जैसे दे दिया, सूर्य भगवान का नाम लेकर कि सूर्य हूँ कि सार हो। अभी सूर्य का साल का मतलब मेरे साले नहीं हो, ऐसा अर्थ नहीं आप समझिएगा। मतलब मैं आपके बिना निस्सार हूँ, तत्वहीन हूँ, आप ही मेरे सब कुछ तत्व हैं, ये भाव था। सूर्य हूँ कि सार हो, इस असार संसार के सार हो मोरे राम जी लाला। इस प्रकार गुरुदेव के आज्ञा का पालन भी हो गया। और राम जी महाराज जी तो सबके सार हैं ही, उनके बिना तो सब कुछ निस्सार है। ऐसे गुरुदेव ने परीक्षा लिया तो सबका सार राम जी को बता दिया। अब उनकी कथाएं तो भक्तों अद्भुत हैं, लेकिन आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं पर उनके चरणों में विराम दे रहा हूँ, चरणों में प्रणाम करके श्री राधे राधे, जय श्री राधे।